नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद की रहने वाली महक जैन ने यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल कर न केवल फरीदाबाद जिले का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। महक जैन की उपलब्धि पर उनके घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर की शिक्षा नीति का परिणाम है कि आज बेटियां आगे निकल रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान साकार होता हुआ दिख रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने महक जैन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूरे परिवार को बधाई दी और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर 17वीं रैंक हासिल करने वाली महक जैन ने कहा है कि उनके परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने दो बार पहले भी एग्जाम दिया था लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए तीसरी बार अब सफलता मिली है। उन्होंने कहा है कि कई बार शुरुआत में सफलता नहीं मिलती, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद से यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली तीन बेटियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की आशिमा गोयल ने भी ये परीक्षा पास की है। वहीं यूपीएससी में 17वीं रैंक लेने वाली महक जैन ने सभी युवाओं को संदेश दिया है कि वे अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उसे पूरा करने के लिए घबराएं नहीं बल्कि उससे दुगनी मेहनत कर आगे बढ़ें, तभी उनका सपना पूरा हो पाएगा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। सेक्टर 16 पहुंचे हैं महक जैन के घर पर, बड़ी उपलब्धि हासिल की है महक ने, 17वीं रैंक ली है, क्या कहेंगे? जो महक जैन ने जो उपलब्धि की है और पूरे भारत में जो नाम रोशन किया है और 17वीं जो रैंक प्राप्त की है, उस नारे को भी साकारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को साकार किया। और मैं इस बात की बधाई दूंगा पूरे परिवार के सभी लोगों को कि बिटिया ने जो नाम किया है सारे देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार किया, उस सपने को लेकर आगे बढ़ेंगे देश के प्रति, और आने वाले समय में जो सपनों का जो भारत है उस पर बेटियाँ काम करेंगी। और मेरे फिजाज से तीन बच्चे हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से, सारे मिलकर देश के लिए काम करेंगे। बड़ी चुनौती होता है इस मुकाम को हासिल करना, लेकिन सरकार का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपकी तरफ से दिया गया, केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश कर रही, तो लगता है क्या आपकी सरकार का जो सपना है वो साकार हो रहा है? नहीं, हर क्षेत्र में जहाँ बेटियों को प्रधानमंत्री पानीपत के मैदान से जहाँ रैली संबोधन की थी, जहाँ बेटियों का 1000 के पीछे 750 का आंकड़ा था, आज 1000 के पीछे 975 के आसपास है, उस सपने को साकार, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, चाहे खेलों की बात करें, खेल हरियाणा की भूमि में खेल के क्षेत्र में का है, गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल बेटियाँ लेकर आई है, और ये यूपीएससी का तो बड़ा मामला टप है, हर चीज़ हो सकती है। यूपीएससी में टॉप करना, 17वां रैंक आना, पास होना, ये बहुत बड़ी। क्या नाम है आपका? महक जैन। महक जी, यूपीएससी में आप 17वां रैंक लेकर आए हैं, किस तरीके की तैयारी रही, क्या कहेंगे? तैयारी जो है ये एक साल भर का प्रोसेस है पूरा, तीन स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल दो अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था यूपीएससी में जिसमें मैंने प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। कितनी मेहनत लगी आपको इस मुकाम तक पहुँचने में? मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरी डे कम से कम 8 to 10 hours की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे, पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। तो कितनी कठिनाई आई इसमें? कठिनाइयाँ बहुत आई क्योंकि जैसे कि पहले जो मेरे दो अटेम्प्ट्स थे इनिशियल, उनमें तो मैं प्रिलिमिनरी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।